अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि ऑनलाइन मीटिंग का टाइम ही था और ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है कि आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया टू कंडक्ट अ ऑनलाइन मीटिंग फॉर लेक्चर। तो जिसकी वजह से जो है ये मैं ऑनलाइन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जो मैं आपको जो करवाऊँगा चीज़ें वो बेसिकली क्लिनिकल बेस्ड जो वेल्बुलर हार्ट डिजीज है वो करवा दूंगा और इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो माइटर स्टीनोसिस, वेजिटेशन, एरोटिक स्टीनोसिस और एरोटिक वेजिटेशन है और एक माइटर वेव प्रोलैप्स है, वो छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जो राइट साइडेड हार्ट की जो वेल्व आती हैं उनके बारे में मैं एक्स्ट्रा एक अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि इटसेल्फ इट्स अ बिग टॉपिक टू कवर दिस ऑल फोर टॉपिक्स इन वन लेक्चर और आई डोंट नो कि कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट दीज फोर टॉपिक्स इन वन आवर और मे बी लेस देन वन आवर। ठीक है, तो वो जो बाकी हार्ट राइट साइडेड हार्ट की जो वेव्स हैं, ट्राइकस्पिड हो गया, ठीक है, पल्मोनरी हो गया, उनको हम बाद में, एक वो बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं रखते क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे वो एक मैं छोटा सा टॉपिक होगा वो मैं अलग से करवा लूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इन दो जो चार टॉपिक्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो माइटर स्टीनोसिस को मैं केसिस के जितने भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज हैं उनको मैं केसिस के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा कि वट आर दीज कंडीशंस और ये सारे केसेज हैं। उसके बाद मैं हर केस की अलग से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस और मैनेजमेंट भी करवाऊंगा। माइटर स्टीनोसिस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी तो होप सो कि उसमें मैंने मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस बिल्कुल एक डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो होप सो यू विल वॉच दैट वीडियो फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा कवर करवाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं फिर भी करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट केस की तरफ। माइटर स्टीनोसिस है तो उसमें बता रहा है कि पेशेंट कोई भी उम्र को सकता है, लेकिन हमें मोर इन वुमेन्स में नजर आता है माइटर स्टीनोसिस, तो इसकी एटियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। अब इसकी फर्स्ट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी ऑफ माइटर स्टीनोसिस दैट 50% ऑफ द पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज की उनकी हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये वुमेन में ज्यादा होता है। ठीक है, और रेयर काजेज ऑफ द माइटर स्टीनोसिस में आप आ जाओ तो कंजेनेटल हो सकता है। ठीक है, कंजेनेटल मीन्स कि उसको एएसडी हो सकता है, एएसडी की वजह से जो आर्टरियल का आर्टरियल में प्रेशर ज्यादा बढ़ा है, या वीएसडी हो सकता है, कोई भी कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है ना, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस हो सकती है, सीनाइल, बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आपकी वेल जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है, या कह सकते हो कि कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाती है, और ल्यूटम बेचर सिंड्रोम है, उसमें ये होता है कि आपके एक कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटी होती है, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट अलोंग विद द एक्वायर्ड माइटरल स्टीनोसिस होता है, ये एक सिंड्रोम है, और कार्सिनो सिंड्रोम है। कार्सिनो सिंड्रोम का मैंने पहले भी बताया कि इट्स नॉट वेरी इंपैक्टफुल ऑन द लेफ्ट साइडेड हार्ट, इट्स वेरी रेयर वी सी माइटरल स्टीनोसिस ड्यू टू द कार्सिनो सिंड्रोम, बिकॉज ऑफ कार्सिनो सिंड्रोम इन विच इन आवर जीआईटी ट्रैक देयर विल बी अ ट्यूमर ऑफ कार्सिनॉइड एडेक्ट प्रोड्यूस सेरोटोनिन। ठीक है, तो जब सेरोटोनिन लीवर में जाएगा वेनस सिस्टम से तो वेनस लीवर से इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट साइड पे आएगा, तो ये जो सेरोटोनिन जो है ये बेसिकली राइट साइडेड हार्ट को ज्यादा, उनकी जो वेव है उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है, ना कि लेफ्ट साइडेड हार्ट को। तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि हमारे लंग्स में सेरोटोनिन को डिग्रेड करने का एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो सेरोटोनिन इनहिबिटर होता है, एक एंजाइम होता है, वो इसको डिग्रेड कर देता है, तो बहुत लेस चांसेस है कि ये लेफ्ट साइडेड हार्ट की वेव्स को भी जो है वो डैमेज कर रहे, तो उससे कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो है वो बेसिकली मोर प्रॉपर्ली ये जो है राइट साइडेड हार्ट को इफेक्ट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे अपने केस की तरफ। तो जो वो बता रहा है, प्रेजेंटेशन मैंने दे दी कि वुमेन है, कोई भी एज ले लो आप, ठीक है, 84 मिनट उसकी पल्स है, ठीक है, इट्स नॉर्मल, आपको पता है कि 60-100 के दरमियान रिजल्ट करती है, लो वॉल्यूम इन नेचर है। अब लो वॉल्यूम इन नेचर क्यों है, वो इस वजह से है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हार्ट था, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट है, ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टीनोस हो चुकी है, यहाँ से जब ब्लड आएगा तो ये बहुत कम मिकदार में आएगा, जब कम मिकदार में आएगा तो डेट मीन्स कि जब वेंट्रिकल पुश करेगा उस ब्लड को तो वो एक लो वॉल्यूम ब्लड को पंप करेगा, तो दैट्स व्हाई माइटर स्टीनोसिस में हमें लो वॉल्यूम पल्स फील होती है इन माइटर स्टीनोसिस। ठीक है, नॉर्मल इन रिदम है, ठीक है, एक बार याद रखिएगा, नॉर्मल इन रिदम भी हो सकती है पल्स जो है, उसके बाद जो है आपको पाल्पिटेशन आपको नजर आ सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टरियल फिब्रिलेशन हमें देखने को मिल सकती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस और मे बी नॉट। ठीक है, ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि हमारा जो लेफ्ट आर्टरिया है वो यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जारी बात है कि लंग्स ने भी अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप करना है लेफ्ट आर्टरिया में, और स्टीनोसिस ऑफ द मटेरियल वेव की वजह से जो ये जो ब्लड है ये वाला यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पा रहा, तो डेट मीन्स के पीछे से भी ब्लड आ रहा है और वो जो अगला ब्लड है, जो पहला ब्लड है वो पहले ही नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाएगी, तो डेट विल लीड टू द डायलेशन ऑफ द आर्टरिया। ठीक है, जब आर्टरिया की डायलेशन हो जाएगी तो वो एक री एंट्री मैकेनिज्म ऑफ द
वेव जनरेट करेंगे दैट विल लीड टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, तो जो ये आपको पल्स है रिदम इसका जो है नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। रेडियो रेडियल रेडियल फीमोरल डिले हमें नहीं देखने को मिलता, जो आपका जेवीपी है वो नॉर्मल होता है। इन दैट केस अगर सीवियर केसेस ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस दैट विल लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों होता है, जारी बात है जब ब्लड लंग से आएगा आर्टेरिया में तो यहाँ पर उसको एक पुश बैक फोर्स मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्लड बहुत ज्यादा जमा है। तो होगा क्या कि ये वाला जो ब्लड है ये बैकवर्ड फोर्स लगाएगा लंग्स पे, तो जब लंग्स पे बैकवर्ड फ्लो फोर्स लगाएगा दैट विल लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वहां पर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी पल्मोनरी लंग्स में, जब कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो दैट विल लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इन्हीं केस में इन मोस्ट ऑफ द सीवियर केसेस आपको पल्मोनरी रेजिटेशन भी देखने को मिल सकती है इन केस में। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये कि जब आर्टेरिया डायलेट हो जाता है दैट विल लीड टू द री एंट्री फेनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस दैट विल लीड टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन को हम ECG पर कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमेशा याद रखना कि जो आर्टेरिया का जो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज है वो पी वेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको पी वेव ज्यादा नजर आ रही है और क्यू वेव नॉर्मल नजर आ रहा है दैट मींस कि आपको जो वेंट्रिकल का फंक्शन है वो नॉर्मल है, और जो पी वेव जो ज्यादा नजर आ रही है दैट विल लीड टू दैट मींस कि उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन है या आर्टेरियल फ्लटर है, इसमें हमें आर्टेरियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो आर्टेरिया वो 3 times पंप करता है लेकिन जो आपका वेंट्रिकल है वो 1 time पंप करता है, 3:1 इस तरह आप कह सकते हैं, इस रेशो से जो आपका जो है वो आर्टेरिया पंप कर रहा होता है इतनी स्पीड से। उसके बाद आ जाओ तो ऑन इंस्पेक्शन जो है हमें विजिबल कार्डिक इंपल्सिस नजर आ रही होती है। क्यों, क्योंकि आपका जो आर्टेरिया है वो डायलेट हुआ होता है जिसकी वजह से जो कार्डिक इंपल्सिस है जो पर बीट पर वो आपको अगर तो उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन ही है, अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन होगी तो आपको ये इंपल्स जो है वो नजर नहीं आएगी। जस्ट अज्यूम लाइक आप ने अगर एक आपके घर में एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है, तो LED लाइट्स आ गई हैं, जब पहले एनर्जी सेवर होते थे, अगर आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया हो जब आप कैमरे से उस एनर्जी सेवर की वीडियो बनाओगे ना तो आपको कैमरे में वो आपको हल्का सा कभी फेड होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी होती है लाइट की, ये बेसिकली जल बुझ रहा होता है हमारा एनर्जी सेवर। हम इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होती है कि हमें फील नहीं होता कि ये जो एनर्जी सेवर है ये जल रहा है बुझ रहा है। इसी तरह हमारे हार्ट के साथ भी होता है कि जब हमारा हार्ट नॉर्मल से अबव मोर देन नॉर्मल क्या है 60-100 है, अब जब आपका आर्टेरिया ही खाली या वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो वो 250-300 के दरमियान इस फ्रिक्वेंसी के साथ बीट करेगा तो आपको इंपल्स जो है वो फील नहीं होगी। ठीक है, वो बीट आपको फील नहीं होगी इतना स्ट्रांगली या इतनी तेजी से वो पंप कर रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें जो ये नजर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद ECG पर एक और हमें फाइंडिंग नजर आती है, इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, हमें बाइफेडेड पी वेव नजर आती है। ठीक है, नॉर्मल पी वेव यूं होती है। ठीक है, और ये हमारा पूरा कंपोनेंट था ECG का, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो पी वेव है ये हमें बाइफेडेड नजर आती है, क्या नजर आती है, बाइफेडेड नजर आती है, ये हमें यूं नजर आती है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा अलग बना दिया। ठीक है, बाइफेडेड पी वेव, इस बाइफेडेड पी वेव को हम पी मटेरियल कहते हैं। हमेशा याद रखना कि बाइफेडेड पी वेव ड्यू टू द लेफ्ट साइडेड हार्ट इट्स कॉल्ड पी मटेरियल, और अगर राइट साइडेड की बात हो जाए तो हम उसको कहते हैं पी पल्मोनेल। ठीक है, क्योंकि वो पल्मोनरी की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाए तो ऑन पालपेशन, जब हम पालपेट करते हैं तो हमें क्या फाइंडिंग नजर आती है, एपेक्स बीट जो है वो इन लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस ब्ला 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 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, टैपिंग इन नेचर होती है। अब एक बात याद रखना है कि एपेक्स बीट जो है वो 3 तरह की होती है, टैपिंग इन नेचर होती है, ये सबसे सॉफ्ट काइंड ऑफ द एपेक्स बीट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाए तो हीविंग इन नेचर होती है, और उसके बाद आ जाए तो थ्रस्टिंग इन नेचर होती है। हीविंग सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सा टच आपको ना फील होता है जब आप एपेक्स बीट को पालपेट करते हो ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा टच आपको फील होता है। हीविंग इन ये थोड़ी टैपिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो थ्रस्टिंग होती है ये आपको हैवीली महसूस होती है, लेकिन इन केस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस आपको जो फील होती है वो टैपिंग इन नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद आपको थ्रिल्स फील होता है प्रेजेंट इन द एपिकल एरिया। एपिकल एरिया कौन सा है, बेसिकली एपेक्स बीट की डेफिनेशन क्या है कि आउटर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट दैट टचेज योर स्टर्नम, और दैट टचेज योर कह सकते हो कि जो कैविटी है जो जिसमें आपका जो हार्ट है लोकेट है। ठीक है, तो एपिकल एरिया में आपको डायस्टोलिक इन नेचर थ्रिल सुनाई देता है। क्यों, एक बात याद रखना हमेशा, जो भी मर्मर है जितने भी मर्मर है उनको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द वेंट्रिकल। आया कि उस वक्त जब मर्मर प्रोड्यूस हो रहा है आया कि उस वक्त वेंट्रिकल का फेज डायस्टोली है या सिस्टोली है, वेंट्रिकल नॉर्मल है एबनॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल में भी अगर उसका फेज डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक है, आर्टेरिया का मेटल वेव डैमेज है ना, तो हमने उस मर्मर को नाम देना होता है अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ वेंट्रिकल। अब स्टेनोसिस जो है, स्टेनोसिस हुई भी है जब ब्लड, देखो एक फिजियोलॉजी में मैंने करवाया हुआ है, बताया था मैंने कि आपका जब आर्टेरियल जब आपकी ब्लड फीलिंग होती है ना वेंट्रिकल की, तो आपकी 70-80% जो ब्लड फीलिंग है वो पैसिव होती है। दैट मीन्स के
आर्टिया को जरूरत ही नहीं होती पंप की कि वो वेंट्रिकल में अपना ब्लड पुश करे। जो रिमेनिंग 20% है ना, जो रिमेनिंग 20% है वो ब्लड जो है वो आर्टिया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पुश करता है, ठीक है। तो डैट मीन्स कि जब आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वेंट्रिकल का कौन सा फेज कैरी ऑन होगा, वो डायसोल। हमेशा याद रखना कि आर्टिया और वेंट्रिकल सेम एक ही फेज में नहीं काम करते, अगर एक का डायसोल हो रहा होगा तो एक का लाजमन सिस्टोल हो रहा होगा। तो अभी जो है जब मर्मर सिस्टोलिक, जारी बात है स्टीनोटिक वेव से जब ब्लड पुश होगा हार्डली, तो तब कब वो कब होगा, जब आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वेंट्रिकल का बेसिकली डायस्टोलिक फेज चल रहा होगा। जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, एज कम्पेयर टू रट्टा लगाएं कि भाई मेट्रल स्टीनोसिस में हमें डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। भाई वो क्यों सुनाई देता है, उसके पीछे का कंसेप्ट गेन करो ताकि आपको ये चीजें कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो डायस्टोलिक फेज ऑफ द वेंट्रिकल चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको जो वो हमें थ्रिल सुनाई देता है वो हम डायस्टोलिक इन नेचर उसको नाम देते हैं, ठीक है। अब ऑन ऑस्कल्टेशन आ जाओ, तो ऑन ऑस्कल्टेशन हमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लाउड सुनाई देता है। एक यह बात याद रखना, मिट्रल स्टेनोसिस में जो है फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लाउड भी सुनाई देता है और हमें सुनाई भी नहीं देता, दो चीजों में। एक बात याद रखना, दो चीजों में हमें जो है वो, एक ये बात कि लाउड हार्ट साउंड हमें कब सुनाई देगा, व्हेन द लीफलेट्स विल बी प्लायबल। प्लायबल का मतलब कि अभी वो मूवेबल हो सकते हैं, उनकी कैल्सिफिकेशन इतनी सीवियर नहीं हुई या उनकी फाइब्रोसिस इतनी सीवियर नहीं हुई, ठीक है। तो जब लीफलेट्स प्लायबल होंगे डैट मीन्स के वो जब एक सिस्टली का फेज या आइसोवोलमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट होगा तो ये जो लीफलेट्स हैं ये क्लोज होंगे, ठीक है। जब ये क्लोज होंगे एक बहुत हार्ड या बहुत लाउड साउंड आपको सुनाई देगा, अगर तो लीफलेट्स प्लायबल है, ठीक है। इन मटेरियल एरिया में आपको, जारी बात है मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल एरिया में आपको ये सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो सीवियर मार्टिन स्टेनोसिस हो गया, क्या कि ये जो आपके लीफलेट्स हैं या फाइब्रोस हो चुके हैं या आपके ये जो कैल्सिफाइड हो चुके हैं तो ये थिक हो जाएंगे, ये जो अब लीफलेट्स हैं आर नॉट मोर प्लायबल, ठीक है, ये अब नरम नहीं रहे। तो होगा क्या कि ये जो वेल है ये क्लोज हो ही नहीं सकती। तो इन सीवियर केसेस अगर आपको, अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है वो आपको कंप्लेन कर रहा है डैट डिसेंबल मार्टरल स्टेनोसिस और जब आप ऑस्कल्टेट करते हो तो आपको क्या कहते हैं, आपको सुनाई नहीं देता S1 साउंड बल्कि आपको S2 साउंड जो है उसका जो P2 कंपोनेंट है वो सुनाई देता है, तो डैट मीन्स के उसको सीवियर मार्टरल वे स्टेनोसिस है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड हार्ट साउंड में, ये नॉर्मल होता है इन एक्यूट मिट्रल स्टेनोसिस, लेकिन इन सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस, ये क्योंकि इन सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस में जारी बात है जो आर्टरी है वो डायलेट होगा, उसमें ब्लड एक्युमुलेशन होगी, ब्लड एक्युमुलेशन होगी दैट विल लीड्स टू प्रेशर ऑन द बैक फ्लो, प्रेशर ऑन द लंग्स, तो आपकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेजल इन द लंग्स हो जाएगी, तो दैट विल लीड्स टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा तो पल्मोनरी वेल पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो ज्यादा देर बाद क्लोज होगी और P2 जो है वो हमें लाउड सुनाई देगा इन सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस में, ठीक है। उसके बाद ऑस्कल्टेट में हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। अच्छा, डायस्टोलिक मर्मर हमें कब सुनाई देगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, और S2 और S1 के दरमियान जो पीरियड होता है वो डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल का पीरियड होता है, और ये जो पीरियड होता है ये सिस्टली ऑफ द वेंट्रिकल होता है, S1 और S2, S2 और S1 के दरमियान जो है वो जो है वो जो सुनाई देगा वो आपको डायस्टोलिक सुनाई देगा। अब डायस्टोलिक मर्मर क्यों इन नेचर है, वो इस वजह से है कि भाई जारी बात है जब साउंड प्रोड्यूस होगा तब डायस्टोली ऑफ द वेंट्रिकल चल रहा होगा, वही बात जो यहां मैंने करवाई थ्रिल पे, ठीक है। व्हाई थ्रिल इज डायस्टोलिक नेचर, इसी वजह से कि तब आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑन गोइंग जो फेज ऑफ द वेंट्रिकल चल रहा था वो डायस्टोल चल रहा था, दैट्स व्हाई वी नेम दैट मर्मर इज डायस्टोलिक मर्मर। अब मिड डायस्टोलिक मर्मर हम क्यों इसको कहते हैं, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर हम क्यों नहीं कहते हैं या लेट डायस्टोलिक मर्मर क्यों नहीं कहते, तो भाई सीधी सी बात है, जो आपका 70-80% ब्लड है वो पैसिवली पास हो रहा है फ्रॉम द आर्टरिया टू वेंट्रिकल, तब हमें कोई मर्मर नहीं सुनाई देगा। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया होगी तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा, तो तब RAD आपका 72 या 60-50 ml, जारी बात है स्टीनोज वेल हुई भी है तो 70-80 तो नॉर्मल है, मे बी आप कह लो कि 40-50 ml जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ चुका है, उसके बाद जो है वो मिड डायस्टोलिक फेज होता है, ठीक है, यहाँ कहीं। तो ये जो मर्मर है आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, तो जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आरएडी डायस्टोल का जो सॉरी वेंट्रिकल का है वो मिड डायस्टोल फेज चल रहा होगा, तो इस वजह से हमें जो है मिड डायस्टोलिक मर्मर इन मटेरियल एरिया सुनाई देगा, जो कि डिक्रेसेंडो क्रिसेंडो इन फेज होता है, ठीक है। जो क्रिसेंडो होता है उसको हम बेसिकली प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन का भी नाम देते हैं, प्री सिस्टोलिक
एक्सेंचुएशन का भी नाम लेते हैं, क्योंकि डायस्टोल S1 जब ओपन होगा डेट मीन उसके बाद जो है सिस्टोली आपका फेस सुनाई देगा, जिसकी जो नेचर है वो डिक्रेसेंडो, ये देखो ऊपर से नीचे जा रहा है, डिक्रेसेंड हो रहा है, डिसेंड हो रहा है और फिर ये क्रिसेंड हो रहा है, और इस क्रिसेंड को हम प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन, एक्सेंचुएशन है ना, एक्सेंचुएशन मीन उसका साउंड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें सुनाई देता है विद एन ओपनिंग स्नैप भी हमें कभी कभार सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ये जो जो डायस्टोलिक मर्मर है ये बेसिकली लो पिच्ड होता है, ठीक है, लोकलाइज होता है, रफ होता है, रंबलिंग होता है, जिसको हम LLR भी कहते हैं, ठीक है। और ये हम बेसिकली बेल और स्टेथोस्कोप से अच्छे से सुन पाते हैं ड्यूरिंग होल्ड आफ्टर एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन जब हम अपनी एक्सपायरेशन को होल्ड करते हैं तो तब हमें जो ये बेसिकली ज्यादा अच्छे से सुनाई दे सकता है, ठीक है। अब प्री सिस्टोलिक इंसेशन में भी प्रेजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। तो ये मिट्रल स्टेनोसिस का एक केस था जिसको मैंने वेल इनफ वे में और वेल बेटर वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाओ इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पर, हमने ये तो हमने केस देख लिया, अब ये केस था, ठीक है, उसने ये केस दे देना और आपसे पूछ लेना कि भाई बताओ इसको कौन सी डिजीज थी, तो आपने बता देना भाई कि ये मिट्रल स्टेनोसिस है। तो इन केस आपको वो इन्वेस्टिगेशन भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो रिमेंबर ऑलवेज के वेरगुलर हार्ट डिजीज जितनी भी है उनमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो ऑलवेज विल बी अ इको कार्डियोग्राफी। क्यों? क्योंकि इको कार्डियोग्राफी से हमें तो एक तो वेव का जो एरिया है वो पता लग जाता है कि आया के जो मिट्रल स्टेनोसिस है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। दूसरी बात हमें थिकनेस या आया के वेव कैल्सिफाइड है, यानी ये पता चल जाता है। उसके बाद हमें ब्लड फ्लो का पता चल जाता है कि आर्टेरिया से वेंट्रिकल में ब्लड जो है कितना आ रहा है, हमें ग्रेडियंट का पता चल जाता है। तो इको कार्डियोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एक्सरे में चेस्ट एक्सरे जब हम करेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या नजर आएगा, हमें लेफ्ट आर्टेरियल इनलार्जमेंट नजर आएगी। जो आपका बेसिकली ये जो आपका हार्ट है यूं होता है, ठीक है, नॉर्मल वे में होगा क्या कि आर्टेरियल लेफ्ट आर्टेरियल इनलार्जमेंट की वजह से जो ये आपका बॉर्डर है यहाँ से ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट बॉर्डर आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखो ये आपका जो है ये आपको यूं नजर आएगा आपको एक्सरे पर, ठीक है। तो आपको एक्सरे पर स्ट्रेटन ऑफ द योर स्ट्रेटन लेफ्ट बॉर्डर जो है आपका वो नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद कर्ले भी लाइंस आपको नजर आ सकती हैं, कर्ले भी लाइंस बेसिकली ये इन सीवियर केसेस में नजर आता है जब आपकी जो वैसो कंस्ट्रिक्शन है वही होती है, जिसकी वजह से जो आपकी जब बैक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है एक टाइम आता है कि जो आपकी जो वैसो है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि राइट साइडेड हार्ट से भी ब्लड आना होता है, फिर जब उसको बैकवर्ड प्रेशर मिलेगा लंग्स को तो वो राइट साइड से भी ब्लड आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी वापस बैक आ रहा है, तो वो जो आपकी वेन जो है या ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएंगी, जो कि आपको एक्सरे पर रिब्स के नीचे नीचे या कर्ले बीन उनके पास कर्ले बी लाइन जो है वो नजर आएगी, दैट मीन्स कि आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ्ट आर्टिकल इनलार्जमेंट में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है एक्सरे पर, चेस्ट एक्सरे पर, ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ECG पर मैंने बता दिया कि आपको अगर एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेजेंट है तो एट्रियल फिब्रिलेशन की जो फाइंडिंग है वो नजर आएगी और बफेटेड पी मटेरियल आपको नजर आएगा, और ये जो चीजें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में ये सब चीजें थी, ठीक है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट में कैसे इनको करना है, तो भाई मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले तो हमने उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है कि भाई आपकी जो साल्ट इनटेक है उनको कम कर दो। आई डोंट नो व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड साल्ट रिस्ट्रिक्शन, मे बी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो क्योंकि इट्स अ हार्ट डिजीज, तो साल्ट रिस्ट्रिक्शन आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर तो पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एक बार हमेशा याद रखिए कि अगर मिट्रल स्टेनोसिस में या वेल्वुलर हार्ट डिजीज में एक मरतबा फिब्रिलेशन हो जाए तो आपको एंटी कोएगुलेशन थेरेपी जारी रखनी होती है, चाहे वो एट्रियल फिब्रिलेशन कंट्रोल हो चुके या नहीं। अच्छा, अगर तो एट्रियल फिब्रिलेशन को हम एक पैसिव वे में या एक रिदम साइनस रिदम में हम उसको लेकर आना चाहें, लॉन्ग टर्म थेरेपी देना चाहते हैं, तो बीटा ब्लॉकर हम उसको देंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर देने के बाद अगर उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो चुकी है तो डेट मीन्स कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का खतरा उसको लाहक हो चुका है, तो चाहे वो फिब्रिलेशन जो है वो कंट्रोल अंडर कंट्रोल है लेकिन हम उसको लाइफ टाइम उसको एंटी कोगुलेशन थेरेपी देंगे, डेट इंक्लूड्स वारफेरिन, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में। और अगर प्रेगनेंट वुमेन है कोई तो उसको हम हेपरिन देंगे। व्हाई वी विल नॉट गिव वारफेरिन टू प्रेगनेंट वुमेन, आंसर मी, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि मैं छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उसको एंटीबायोटिक्स प्रोफ्लेक्सिस भी देंगे क्योंकि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है जहाँ पर कंजेशन हो रही है, जब कंजेशन होगी दैट विल लीड टू द इंक्रीज चांसेस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिशन मिलेंगे, वहाँ पर एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा फॉर द ग्रो, तो वहाँ पर उनको सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, दैट विल, सो दैट्स व्हाई वी शुड नीड टू ऐड एंटीबायोटिक प्रोफ्लेक्सिस इन दोस पेशेंट हु आर पेशेंट ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ये हमने कर लिया अपना
माइटोसिस की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाओ तो उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाओ तो पर्क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल मटरल कमिश्चरटॉमी होती है, पीटीएमसी हम इसको कहते हैं, ठीक है, पीटीएमसी, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम एक बैलून के कैथेटराइजेशन करते हैं, ये जैसे ही ऐसे ही होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, ये ऐसे प्रोसीजर है। लेकिन इसमें हम जो आर्ट्रिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आर्ट्रिया है, ठीक है, यहाँ पर हम किसी तरह से एंट्रेंस गेन करते हैं इनटू द लेफ्ट आर्ट्रिया, यानी हम फिमोरल वेन, ये हम बेसिकली वेन के थ्रू एंटर होते हैं, ठीक है, हम फिमोरल वेन यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कैथेटर जो राइट साइड हार्ट में आता है, यहाँ पर हम किसी तरह एंट्री गेन करते हैं लेफ्ट आर्ट्रिया में, और यहाँ पर जो है वेव जो है इसमें हम जब इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम फिर बलून को जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं, ताकि जो है जो जो स्टीनोसिस है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन इसकी कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है, अगर तो लीफलेट्स ऑफ प्लायबल है तभी हम ये कमिशोटमी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाओ तो क्लोज वेल्वोटमी, इसमें क्या होता है कि हम बाईपास सर्जरी के विदाउट ही हम उसकी क्लोज वेल्वोटमी करती हैं। बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है क्लोज वेल्वोटोमी, ये रिप्लेस कर दिया गया है आज के दौर में पीटीएमसी से, ठीक है। जारी बात है, जब आपकी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती होनी क्लोज वेल्वोटोमी है ना, तो पीटीएमसी इज प्रेफरेबल देन क्लोज वेल्वोटोमी। उसके बाद जो ओपन वेल्वोटोमी, इसमें बेसिकली हम बाईपास यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद माइटर वेव रिप्लेसमेंट इट्स द लास्ट ऑप्शन फॉर द सीवियर केसेस, अगर तो आपको माइटरल रिजर्टेशन भी साथ में हो गया माइटरल स्टीनोसिस के साथ, ठीक है, मटर स्टेनोसिस भी हो गया और मटर स्टेनोसिस के साथ मटर रिजेक्टेशन भी हो गया, उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो गया और आपको न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के टाइप 4-3 ये वाला हार्ट फेलियर हो चुका है, दैट इज द सूटेबल पर्सन फॉर कि हम उसकी मटर वेयर रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था मटरल स्टेनोसिस, इसको मैंने एक अच्छे वे में, एक बेहतरीन अंदाज में मैंने बता दिया, एक केस रिप्रेजेंट करके बता दिया व्हाट इज मटरल स्टेनोसिस, क्योंकि आई थिंक सो इट्स अ बेटर टू गिव अ लेक्चर ऑन केसेस रादर देन टू गिव ऑन होल टॉपिक, क्योंकि होल टॉपिक तो मैंने इसमें भी कवर कर लिया है कि व्हाई मटरल स्टेनोसिस की एटियोलॉजी भी कर ली हमने, ठीक है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी तो बिल्कुल सेम थी यार, कि स्टेनोसिस का मतलब क्या है, स्टेनोसिस का मतलब यह है ऑब्स्ट्रक्शन फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, ये सारी इसकी कहानी है, हमें इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, और हमने इन्वेस्टिगेशन भी पढ़नी, मैनेजमेंट भी पढ़नी, और अब हमें एमसी गुजार भी कह सकता है, सिर्फ उन्होंने केस दिया होगा या तो वो केस में बता देंगे कि भाई इसको ये डिजीज ही बताओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ फैसला होगी, या आपसे पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट आप इसको कैसे करोगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बता दिए। तो अब अगला हमारा टॉपिक है वो है मिटरल रिजर्टेशन, ठीक है। तो मिटरल रिजर्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें जो पल्स है जो है वो बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलती है, नॉर्मल इन वॉल्यूम जो हमें जो है मटरल रिजर्टेशन में देखने को मिल रहा है, रिदम एंड करेक्टर भी नॉर्मल है, जेवीपी भी नॉर्मल है, ठीक है। जो बीपी है वो स्लाइटली थोड़ा सा 120-70 मिलीमीटर होगा, जिस जो डायस्टोली है वो स्लाइटली जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी आई थिंक सो नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन पे जो हम कार्डिंग इंपल्सर जो है, विजिबल कार्डिंग इंपल्सर हमें देखने को मिलेंगे, क्यों देखने को मिलेंगे, भाई सीधी सी बात है, जो आपका जो ब्लड है वो जो आपकी जो वेंट्रिकल है या आपका जो आर्टरी है वो डायलेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको जो आपकी जो इम्पल्सिस जो है वो विजिबल नजर आ रही हैं, ठीक है। अब जब हम पाल्पेशन करेंगे इस बिंदे की, तो एपेक्स बीट जो है वो इंटरकोस्टल स्पेस में हमें सुनाई देगी, फ्रॉम 3 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन डिफ्यूज होगी, थ्रस्टिंग इन नेचर होगी, ठीक है, सिस्टोलिक थ्रिल नजर आएगा हमें इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब ये थ्रस्टिंग इन नेचर क्यों है, भाई थ्रस्टिंग इन नेचर इसलिए कि जो ब्लड रिजर्टेट हो रहा है, बेसिकली वो आर्ट्रिया ने जब अपना ब्लड पंप करना है वो भी एक आके जमा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद रिजर्टेशन हुई भी है, डेट मीन्स कि जो ब्लड का फ्लो है वो बैक जाएगा, बैक से वापस आएगा वेंट्रिकल में, तो जो वेंट्रिकल है वो डायलेट हुआ होगा, तो जब डायलेट हुआ होगा तो जो आपका जो हार्ट है वो कुछ यूं एपेक्स बीट पर नजर आएगा, नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल ये है उसका साइज, ठीक है, इस तरह है आपका हार्ट, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल डायलेट हो चुका है, डेट मीन्स कि जो ये लोअर मोस्ट और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट जो है वो बेसिकली आपके स्टर्नम के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है, वो बेस बल्कि उसको उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो जब कभी भी आपका सिस्टली होगा, अब यहाँ पर थ्रिल हमें सिस्टली क्यों दिया गया, तो भाई मैंने पहले भी बताया था कि हमने हमेशा जो मर्मर है या जो थ्रिल है जो एबनॉर्मल साउंड है वो हमने वेंट्रिकल की फेस के अकॉर्डिंग देना होता है। अब रिजर्टेशन कब होगी, सारी बात है जब सिस्टली जो है यहाँ से ब्लड आ गया, ठीक है, आर्ट्रिया से ब्लड जब आया है वेंट्रिकल में, तो इससे ये आर्ट्रिया का फेज हो गया, ये डायस्टोलिक ऑफ द वेंट्रिकल था, ठीक है। अब वापस ये ब्लड कब जाएगा, रिजेक्टेड बैक कब होगा, तभी होगा ना जब सिस्टली ऑफ द वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है वो जो
थ्रिल जो है वो सिस्टली इन नेचर सुनाई देता है। तो ये जो डायलेटेड वेंट्रिकल है ये बहुत डायलेट हो जाएगा, दैट विल लीड टू पुश, दैट विल काज अ प्रेशर ऑन, पुश बैक प्रेशर ऑन द स्टर्नम, जिसकी वजह से आपको जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ये पता डायलेटेड वेंट्रिकल है, मोर ब्लड है तो मोर पावर चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। तो जब मोर पावर चाहिए तो उसमें जो हमें एपेक्स भी जो है वो थ्रस्टिंग इन नेचर सुनाई देगी विद अ सिस्टोलिक थ्रिल। समझ आएगी ये वाली बात? फिर होगा अब जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो हमें सॉफ्ट सुनाई देगा, ठीक है, नॉर्मल इन अदर एरियाज, ठीक है। सॉफ्ट क्यों सुनाई देगा? तो भाई जारी बात है कि इसकी जो वेव है, जो जो मेटल वेव है वो रिजेक्टेड हुई भी है, वो जिसकी वजह से जो आपको जो ब्लड है वो रिजेक्टेड बैक होता है इनटू द आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। जो आपका सेकेंड हार्ट साउंड है वो नॉर्मल आपको सुनाई देता है, लेकिन जो आपको थर्ड हार्ट साउंड है वो आपको सुनाई देता है S3। S3 क्यों सुनाई देता है? S3 इस वजह से भी आपको सुनाई देता है कि जब आपका सडन रश होता है ब्लड बैक इनटू द डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल इन अर्ली डायस्टोल, ठीक है। जारी बात है जब रिजेक्टेड वेव होती है तब भी आपकी जो वेव है वो क्लोज नहीं होती, ठीक है। जब अर्ली डायस्टोल होता है ना, जब सिस्टली एंड होता है, एंड होने के फौरन बाद जब आप डायस्टोलिक फेज स्टार्ट होता है तो वो जो ब्लड है आर्टेरिया से दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको तब हार्ट साउंड जो है वो तब सुनाई देता है। देयर इज अ पैन सिस्टोलिक मर्मर इन मटेरियल एरिया, दैट पैन सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मर्मर क्यों? क्योंकि ये S1 और S2 के दरमियान आपको सुनाई देता है पैन सिस्टोलिक मर्मर। ये बेसिकली एक लेवल पर इसकी सेचुएशन होती है, ना ये डिसेंडेड होता है ना ये क्रेसेंडेड होता है, ये बेसिकली पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। दैट विल लीड रेडियल टू द लेफ्ट एक्सिला, ठीक है, रिड्यूस्ड ऑन इंस्पायरेशन। ये वर्ड याद रख लो, ये वाली लाइन याद रख लो, reduce on inspiration and more in expiration. जब expiration करते हो तब आपको ये जो murmur है तब ज़्यादा सुनाई देता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक disease आगे हम बढ़ने वाले हैं, aortic regurgitation, उसमें आप देखोगे कि यही sound जो है वो आपको ज़्यादा सुनाई देता है on inspiration और reduce on expiration, ठीक है। तो ये था mitral regurgitation का case, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इसकी investigation और choices। investigation choices यार वही है सारी जो हमें देखने को मिल रही थी ऊपर मटेरियल स्टेनोसिस में, तो फिर भी हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन चॉइस इको है। इको क्यों जरूरी है? इको इसलिए जरूरी है कि वो एक तो आपको बता देगी कि जो रिजेक्टेड हुई भी है वेल वो आएगी कितने सेंटीमीटर इनटू द आर्टरी रिजेक्टेड हुई है, तो एक तो फ्लो ऑफ द ब्लड का हमें उसका ग्रेडियंट का पता चल जाएगा कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड है आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान, ठीक है। तो इकोग्राफी इज ऑलवेज अ इन्वेस्टिगेशन चॉइस इन ऑल हार्ट फेलियर वाला डिजीज, ठीक है। तो इको हम लिख देते हैं फर्स्ट पे, उसके बाद आ जाओ तो ECG करेंगे, ठीक है। ECG पर जारी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई होगी, डायलेशन हुई भी है ना, तो डायलेशन लीड टू द हाइपरट्रॉफी आल्सो, वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है ना, तो वॉल्यूम ओवरलोड में आपको हाइपरट्रॉफी भी मिलेगी और डायलेशन भी मिलेगी, डेट विल लीड टू द आपको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के साइन नजर आएंगे। डैट मीन्स कि आपको जो प्रीकॉर्डियल लिम्स प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स हैं वो लेफ्ट साइड की जो चेस्ट लीड्स हैं जो कि V6 V5 हैं उधर आपको हाइपरट्रॉफी जो है वो नजर आएगी, ठीक है। डैट मीन्स कि जो आर वेव जो है वो लीड V6 में आपको नजर आएगी और जो S वेव है वो आपको नजर आएगी, लार्ज S वेव नजर आएगी आपको राइट साइड पर। तो ये ECG की फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो चेस्ट एक्सरे जब हम करेंगे तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो वो इंक्रीज हुई होगी, क्यों हुई होगी? क्योंकि आपका जो लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों बेसिकली डायलेट हुए होते हैं। क्यों हुए होते हैं? जारी बात है जब डायस्टोली ऑफ द आर्टरिया होगा, ठीक है, तो ब्लड ने यहाँ पर जाना ही जाना है, ठीक है, वेंट्रिकल में। जब सिस्टली ऑफ द आर्टरिया होगा तो तब क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये रिजेक्टेड बैक भी होगा, ठीक है, यही ब्लड वापस इसके साथ भी आएगा जब जब अर्ली डायस्टोल यानी कि जब पैसिव फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हो रही होगी। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर भी ब्लड ज्यादा है आर्टरिया में और यहाँ पर भी ब्लड ज्यादा है, डेट विल लीड टू द डायलेशन ऑफ द आर्टरिया आल्सो डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल आल्सो, डेट विल लीड टू द इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिल सकता है अगर तो सीवियर इन केसेस जब रिजेक्टेशन वेरी सीवियर हो चुकी है, तो जारी बात है कि आर्टरिया से प्रेशर बैकवर्ड जाएगा, डेट विल लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अच्छा, अब हमने इन पेशेंट में मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आ जाती है, तो वैसोडायलेटर देंगे, वैसोडायलेटर में हम एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं और हाइड्रोलिजिन आ जाते हैं इन एक्यूट मटेरियल रिजेक्टेशन में। आप अगर उसको वॉल्यूम ओवरलोड है उसको कम करने के लिए हम एस इनहिबिटर्स वगैरह या हाइड्रोलिजिन वगैरह देते हैं। उसके बाद डायजोक्सिन दे देते हैं, डायजोक्सिन क्यों देते हैं? टू कंट्रोल हार्ट रेट इन आर्टरियल फिब्रिलेशन। सारी बात है आर्टरिया की आर्टरिया में ब्लड जाएगा तो ये आर्टरिया की आर्टरियल फिब्रिलेशन हमें देखने को मिल सकती है और आर्टरियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए डायजोक्सिन दे सकते हैं हम, CC बेस भी दे सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी हम उसको बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। उसके बाद डायुरेटिक्स
ठीक है। और डायबिटिक्स हम क्यों देते हैं, डायबिटिक्स इसलिए देंगे कि उसकी जो लंग कंजेशन होगी इन सीवियर केसेस ऑफ द मेटल रिजिटेशन, जो कि ब्लैक बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जा रहा है लंग्स में, उसकी कंजेशन को कंट्रोल करने में हम उसको डायबिटिक्स दे सकते हैं। लेकिन रिमेंबर ऑलवेज बाय प्रिस्क्रिप्शन डायबिटिक्स इन हार्ट पेशेंट, कि उनको आपने रात को प्रेफर नहीं करना, क्योंकि रात को एक तो बंदा वैसे ही दिल का मरीज होता है, जब डायबिटिक्स देंगे तो उसका उसकी जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाएगी, तो वो बेचारा बार बार रात को उठेगा, जब बार बार रात को उठेगा वो पैनिक होगा, तो जब पैनिक होगा तो डेट विल लीड्स टू पैनिक अटैक्स, तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन दोबारा काज कर सकते हैं, वो एरिथमिया भी काज कर सकते हैं, जब वो बंदा पैनिक होगा बार बार उठकर, फिर उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो उसका सुकून बर्बाद होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर को आपने जो डायबिटिक्स है वो नेवर रिकमेंड, नेवर प्रिस्क्राइब योर पेशेंट एट नाइट, ठीक है, क्योंकि वो रात को बार बार यूरिनेशन काज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओरल एंटी कोएगुलेशन आप देंगे, क्यों देंगे भाई, जब ये वेव है आपकी, ये नॉर्मल वेव थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीरियर लीफलेट है, ये पोस्टीरियर लीफलेट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। जब रिजिटेशन हो जाती होता क्या कि ये जो वेव है ये आपकी अंदर जाती है आर्टरी में, तो होगा क्या कि जब ब्लड आएगा ये ब्लड यहाँ से भी चला गया, यहाँ पर भी घूम घुमा के वापस चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर स्टेसिस ऑफ द ब्लड हो जाएगा, ठीक है। जब स्टेसिस ऑफ द ब्लड हो जाएगा डेट मीन्स कि एक बात याद रखना हमेशा कि ब्लड फ्लो में हो तो कुछ नहीं होगा, ब्लड जैसे ही फ्लो उसका रुक जाएगा डेट विल लीड टू द थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ये वाला जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है ये बेसिकली सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, क्यों, क्योंकि ये वेंट्रिकल में बन रहा है, वेंट्रिकल की अंदर वाली जब ये जो साइड पुश हुई होती है ना वेव की, यहाँ पर बन जाता है, तो डेट विल लीड, जब कॉन्ट्रेक्शन होगी मे बी ये लेफ्ट साइड राइट साइड लंग्स में चले जाए, लेकिन बहुत रेयर केसेस है, लेकिन ये सिस्टमिक एम्बोलिज्म हम इसको नाम देते हैं, डेट विल लीड टू पंप इन टू द पुश इन टू द सिस्टम, और सिस्टम में जाके ये किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेटल रिजिटेशन के जो अनकॉन्शियस होते हैं, जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, क्योंकि ये जो एम्बोलिज्म है ये उनकी आर्टरीज में चला जाता है, जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उनको डैमेज करता जाकर, या आपको किडनी डैमेज कर दे, कोई भी ऑर्गन आपका डैमेज कर देगा सिस्टमिक एम्बोलिज्म। सो दैट्स व्हाई वी शुड गिव दोस पेशेंट एंटी कोएगुलेशन थेरेपी लाइक वारफेरिन और हेपरिन इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस हम इसमें भी देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि लंग कंजेशन है, लंग कंजेशन इज सूटेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ दैट विल लीड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलेंगे, सो दैट्स व्हाई वी शुड नीड टू गिव एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस इन मेटल रिजिटेशन पेशेंट्स आल्सो, ठीक है। उसके बाद सर्जरी की तरफ आए तो सर्जिकल, तो भाई सीधी सी बात है, हमें मेटल वेल्व रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए बिफोर डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन हो जाएगा तो डैट मीन्स कि आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन पर असर पड़ेगा, तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन पर असर पड़ेगा डैट मीन्स कि आपके सिस्टम में जो ब्लड है वो नहीं जा पाएगा, सिस्टम की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, डैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट वेरी सून, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि मेटल वेव रिप्लेसमेंट में हमें जल्द अज जल्द वेव रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए जस्ट बिफोर हैपनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ द सर्जरी इन एमआर क्या है, बेसिकली अगर तो पेशेंट को न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन, न्यूयॉर्क हार्ट NYHA एसोसिएशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये वाले हार्ट जो है वो डिवेलप हो जाए, हार्ट फेलियर डिवेलप हो सकते हैं, तब भी हम मेटल वेव अर्जेंट सर्जरी कर देंगे, और अगर तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 60% है, ठीक है, और जो सिस्टोलिक डायमेंशन जो है वो लेस देन 45 मिलीमीटर है, एंड सिस्टोलिक डायमेंशन, एंड सिस्टोलिक डायमेंशन हम क्यों इसको एंड सिस्टोलिक, व्हाई वी नॉट कॉल्ड एंड डायस्टोलिक डायमेंशन, क्योंकि भाई जो मेटल वेव रिजिटेशन होती है वो ड्यूरिंग द सिस्टली होती है, तो जब सिस्टली के दरमियान जितनी डायमेंशन होगी हम उसको एंड सिस्टोलिक डायमेंशन कहेंगे, तो ये जो केसेस हैं इनमें हम मेटल वेव रिप्लेसमेंट कर देते हैं। उसके बाद आज तो और भी क्राइटेरियाज हैं, इफ उन क्राइटेरिया को पढ़ने के लिए मैं बुक रिकमेंड करूंगा, इनाम दानिश इंटरनल मेडिसिन की बुक है, वो रिकमेंड करूंगा, उधर आप जाकर इनको देख लेना, क्योंकि मैं हर केस को नहीं लहरा से समझा सकता, ठीक है, डिफरेंट केसेस के साथ डिफरेंट पेशेंट आ सकते हैं, तो ये एक मैंने लंबा छोरा सा आपको करवा दिया। उसके बाद आ जाओ तो मेटरल वेल प्रोलैप्स, ये बहुत ही माइनर सा केस है, तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली मेटरल रिजिटेशन वाली सारी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन आपको एक मिड सिस्टोलिक क्लिक सुनने को मिलता है और लेट सिस्टोलिक मर्मर आपको सुनने को मिलता है, दैट इज लॉडस एट द लेफ्ट स्टर्नल एज, ठीक है। मिड सिस्टोलिक क्लिक क्यों सुनाई देता है या लेट सिस्टोलिक मर्मर क्यों सुनाई देता है, वो इस वजह से सुनाई देता है कि मेटरल वेव प्रोलैप्स जो है ये अंदर की तरफ बल्ज हो जाती है इनटू द आर्टरिया, ठीक है, जब सिस्टली चल रहा होता है तब एकदम से क्लिक सुनाई देता है ड्यूरिंग द सिस्टली, दैट इज ड्यू टू द मेटल वेव प्रोलैप्स, और बाकी जो रिमेनिंग सिम्टम्स है इसकी एमआर की तरह ही है, और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चेस्ट वही सारा सीन है, अडोप्टिव रिजिटेशन, सॉरी मेटल स्टेनोसिस मेटल रिजिटेशन वाला, ठीक है।
इसकी एटियोलॉजी हमने बता दी थी कि इसकी एटियोलॉजी बेसिकली इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को वहाँ पर इस्कीमिया होगा जहाँ पर कॉर्डेट टेंडन की बेस ही, जब इस्कीमिया होगा तो वो कॉर्डेट टेंडन की जो बेस है वो वीक हो जाएगी, डेट विल लीड टू द बल्जिंग ऑफ द माइटर वेव इन टू द आर्टरिया, डेट विल लीड टू द माइटर रिजेक्शन ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद कंजेनेट कोलेजन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। ठीक है, हमारी जो वेव्स हैं बेसिकली कोलेजन से बनी होती हैं। ठीक है, तो कोलेजन एबनॉर्मेलिटी जितनी भी सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम इज द कोलेजन एबनॉर्मेलिटी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद एलर्ट डैनलो सिंड्रोम, ये भी एक सिंड्रोम है जो कोलेजन एबनॉर्मेलिटी का है। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, उसके बाद पेरिआर्टराइटिस नोडोसा। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, इस तरह के वॉन विल्ब्रैंड डिजीज। ठीक है, इसके बाद एब्स्टेन एनोमली। ठीक है, ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल, ये जो सारी चीजें हैं ये डेट विल लीड टू मैटर वेव प्रॉब्लम, जो कि भी कोलेजन एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, जो हमारी कोलेजन है उनमें डिफेक्ट आ जाता है, डेट जो ये वेव है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये कह लो कि ये वीक हो जाती है, तो जब सिस्टली होता है तो ये बल्ज बैक इनटू द आर्टरिया, सो दैट विल लीड टू द ब्लड बैक इनटू द आर्टरिया एंड नॉर्मल इन वे इन द इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये थी एमवीपी। तो सिर्फ ये बात याद रखनी कि इसमें जो न्यू जो दो एडिट साउंड है वो हमें सिस्टोलिक लिखा है और लेट सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देता है। ठीक है, लेट सिस्टोलिक मर्मर हमें यहाँ पर सुनाई देगा यूं करके बेसिकली मे बी। ठीक है, और मिड सिस्टोलिक लिक हमें यहाँ पर एक नजर सुनाई देगी S1 S2, ये आपको लेट सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दिया और ये एक आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक सुनाई दिया। ठीक है, तो ये कुछ था एमवीपी में। अब आ जाओ aortic stenosis का केस। व्हाट इज aortic stenosis? aortic stenosis की वही डेफिनेशन है जो मटेरियल स्टेनोसिस की, सिर्फ वेल्ट चेंज हुई है कि aortic stenosis में जो ब्लड है वो सिस्टिक में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पल्स जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, लो इन वॉल्यूम है, व्हाई देयर इज अ लो इन वॉल्यूम पल्स, बिकॉज ऑफ जब स्टीनोसिस ऑफ द अरोटा होगी, एरोटिक वेल्व होगी, तो जो ब्लड है वो सिस्टम में जाना है, तो जब सिस्टम में स्टीनोसिस की वजह से वो जो ब्लड है वो नॉर्मल, जब ओपनिंग थी वो नॉर्मल में जा रहा था, लो क्यों जा रहा है, वो स्टीनोसिस वेल से वेल की वजह से नहीं जा पा रहा, तो डैट मीन्स कि वो जो ब्लड है सिस्टम में बहुत कम जा रहा है, डैट विल लीड टू द लो वॉल्यूम पल्स। ठीक है, स्लो राइजिंग हमें सुनाई देगा और नॉर्मल इन रिदम सुनाई देती है। ये जो स्लो राइजिंग और स्लो जो वेव है इसको हम एक नाम देते हैं पल्सेस, जो स्लो राइजिंग और स्लो इन वॉल्यूम जो होती है, स्लो राइजिंग जो है वो बेसिकली हम उसको नाम देते हैं पल्सेस पारवुस, और लेट पिकिंग जो है उसको हम एनाक्रोट पल्सेस स्टार्डस देते हैं, और तो इस इन चीज़ों को हम देते हैं जो कंबाइनली हम कहते हैं एनाक्रोटिक पल्स भी, हमें मे बी इन केस आपको नाम लिखा हो एनाक्रोटिक। ठीक है, पल्सस पारवस का भी कह सकते हैं, पल्सस स्टार्डस का भी कह सकता है वो। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, जेबीपी नॉर्मल है, उसके बाद बीपी जो है वो 90/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी है, लो सिस्टोली और नॉर्मल डायस्टोल, डायस्टोल तो नॉर्मल है, व्हाई देयर इज अ लो सिस्टोली, जारी बात है आप सबको पता है कि जो सिस्टोली है वो डिपेंड करता है आफ्टर लोड पर। ठीक है, प्री लोड पर डिपेंड करता है डायस्टोल। वेंट्रिकल फिलिंग नॉर्मली हो रही है, डैट मीन्स के जो आपकी जो डायस्टोल है वो नॉर्मल है, लेकिन जो आपका सिस्टली है वो कम है, वो क्यों कम है, क्योंकि आफ्टर लोड जो है वो कम है, स्टीनोसिस है ना, स्टीनोसिस हुई है सिस्टम में, ब्लड जा नहीं रहा। ठीक है, आफ्टर लोड बहुत कम है, तो दैट्स वाई वी विल सी द सिस्टली ब्लड प्रेशर वेरी लो सिस्टली एंड नॉर्मल डायस्टोली एंड नैरो पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या है, ग्रेडियंट बिटवीन सिस्टली एंड डायस्टोली, तो 90 और 80 का ग्रेडियंट क्या हुआ 10, तो ये हमें नैरो पल्स प्रेशर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमें पल्स या क्या सकते हैं फील नहीं होती इतनी सी। ठीक है, पल्स फील नहीं होती। उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं, तो इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, विजिबल कार्डिक इंपल्सेस देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है, तो भाई सीधी बात है स्टीनोसिस ऑफ द एरोटिक वेल हुई भी है तो डेट विल लीड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या डायलेशन, क्योंकि वो जो ब्लड जाना चाहिए सिस्टम में वो उतना ब्लड नहीं जा पा रहा, तो वो जो एक्यूमुलेट होना ब्लड जारी बात है नॉर्मल में आर्टरिया से भी आ रहा है, और वो जो भरा हुआ ऑलरेडी ब्लड है वो सिस्टम में नहीं जा रहा है, दैट विल लीड टू डायलेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद एपेक्स बीट जो है वो देखने को मिलती है हमें, हीविंग इन नेचर होती है। ठीक है, सर्जिंग इन नेचर नहीं होती, हीविंग इन नेचर होती है, आपको सिस्टोलिक थ्रिल भी नजर आता है, सिस्टोलिक थ्रिल क्यों नजर आता है, जारी बात है जब एरोटिक स्टीनोसिस की बात हो रही है तो आपको डायस्टोलिक मर्मर नहीं सुनाई देगा, सिस्टोलिक थ्रिल नजर आएगा, क्यों, क्योंकि जब ब्लड ब्लड पंप ही सिस्टम में तब होता है जब सिस्टली ऑफ द वेंट्रिकल होता है, तो सिस्टली सिस्टोलिक थ्रिल हमें जो है वो एरोटिक स्टीनोसिस में सुनाई देगा। ठीक है, उसके बाद ऑन ऑस्कल्टेशन फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल आपको सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है S1 जो है मटेरियल वेल बिल्कुल ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो A2 कंपोनेंट है, एरोटिक कंपोनेंट जो है वो आपको
सॉफ्ट नहीं देगा। क्यों क्यों सॉफ्ट नहीं देगा? क्योंकि एक तो स्टिफनेस ऑफ द एरोटिक वेव हो चुकी है, दैट विल लीड टू द सॉफ्टनेस ऑफ द ए टू कंपोनेंट, और जो पी टू कंपोनेंट है वो नॉर्मल नहीं देगा। ठीक है, देर इज अ हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। क्यों हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है? मैंने वही बात बताई कि सिस्टली जो है वो बेसिकली, एक तो एक बात याद रखना है कि वेंटिकल का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, तो जब सिस्टली ऑफ द वेंटिकल होगा तो वो एकदम से एक नैरो ट्यूब से जब प्रेशर ब्लड को पंप करेगा तो एक हमें हार्श सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा इन द एरोटिक एरिया व्हिच रेडिएट्स टू द राइट साइड ऑफ योर नेक। रिवर्स ब्लीडिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड में भी प्रेजेंट ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हार्ट साउंड एरोटिक स्टेनोसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस में हमने वही करना होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हमें एक्सरे, एक्सरे पर हमें क्या फाइंडिंग नजर आएगी? हमें जो है वो एक्सरे पर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी नजर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ईसीजी पर हमें वही नजर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की मार्किंग जो मैंने बताया कि टाल आर वेव जो है वो लेफ्ट साइडेड चेस्ट लीड्स पर नजर आती हैं, और जो डी एस वेव जो है वो हमें ज्यादा नजर आती हैं ऑन द राइट चेस्ट लिम्ब। ठीक है, V1 V2 वगैरह में। ठीक है, उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी इज ऑलवेज अ मेसिकेन फ्लैश ऑफ इन आर इन आर वेलवेट डिजीज, तो यहां पर भी इकोकार्डियोग्राफी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो ट्रीटमेंट हमने इनमें करना होता है, ट्रीटमेंट हमने इनमें करना होता है। तो पेशेंट हु डेवलप्स एनी ऑफ द थ्री सिम्टम्स लाइक एंजाइना, ठीक है, सिंकपी, ठीक है, और हार्ट फेलियर। एंजाइना क्यों होता है? एंजाइना इस वजह से होता है इन पेशेंट में, ये आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है वो ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी को जो ब्लड है वो ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो आता है। ठीक है, सिस्टली में क्या होगा? सिस्टली में जब ब्लड जाएगा सिस्टम में, ठीक है, अरोटा से ही एक ब्रांच निकलती है जो आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड कोरोनरी सर्कुलेशन देती है। तो जब सिस्टली के दौरान भी ब्लड नहीं जा पा रहा सिस्टम में, तो वो जो कोरोनरी आर्टरी होगी उसको भी ब्लड नहीं जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायस्टोल में जो आपको ब्लड वो मिलता है हार्ट को, तो आपका डायस्टोल तो पहले ही बहुत वीक होता है, वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है, तो वो डेट एंजाइना एंजाइना क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सिंकपी क्या है? सिंकपी डेट जो ही बात की, आपका जो ब्लड है वो सिस्टम ही नहीं जा रहा, जब सिस्टम ही नहीं जा रहा तो आपका जो ब्रेन है वो लेस परफ्यूज होगा, तो जब परफ्यूजन कम होगी दैट विल लीड टू सिंकोपिकल अटैक्स, और हार्ट फेलियर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इनमें हम मेडिकल पेशेंट्स में इनमें हम मेजरमेंट क्या कैसे कर सकते हैं? हम उनको कह सकते हैं कि भाई आपने जो एक्सरसाइज है वो नहीं करनी, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका राइट साइडेड ओवरलोड बढ़ेगा, जब राइट साइडेड ओवरलोड बढ़ेगा तो डेट मीन्स कि उसको हमारे हार्ट को ज़्यादा सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, तो आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है इनटू द हार्ट वो आगे ही रिड्यूस हो चुकी है ड्यू टू दिस कंडीशन जो मैंने बताई है कि सिस्टोलिक के दौरान पहले ही आपको ब्लड नहीं मिल रहा और डायस्टोल ऑफ द हार्ट जो है तब हमें हार्ट को ब्लड मिलता है, तो डायस्टोल आगे ही बहुत कम होता है, सिस्टोलिक के दौरान ब्लड भी नहीं मिला और डायस्टोल आगे ही कम होता है। डेट्स वाई हम इन पेशेंट को कहते हैं कि आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है ताकि आपको एंजाइनल अटैक, सिंकोपिकल अटैक्स वगैरह ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो एंजाइना को हम ट्रीट कैसे करेंगे? एंजाइना को बेसिकली हम ट्रीट करेंगे बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, और एक बात याद रखना है यहाँ पर कि जो नाइट्रेट्स जो हैं हम इन पेशेंट में नहीं देते, नाइट्रेट्स इन पेशेंट में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नाइट्रेट जो है वो बेसिकली वैसो डायलेशन करवा देंगे सिस्टम की, आगे ही हमारा सिस्टोली ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम है, 90 है। ठीक है, तो जब नाइट्रेट्स हम देंगे तो नाइट्रेट से क्या होगा? नाइट्रेट से ये होगा कि ये जो सिस्टोली वैसो डायलेशन होगी हो जाएगी, जो वैसो डायलेशन हो जाएगी तो ये अगर वेट कर देंगे एक्सर्शनल सिंकोपी एंड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, उसके बाद हम एस इनहिबिटर और जो डायजोक्सिन जो है वो बेसिकली ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन दोज पेशेंट एरोटिक स्टेनोसिस। तो ये जो मेडिकेशन हैं जी आपने याद रखनी है कि भाई मेट्रियल स्टेनोसिस में हम कौन सी दे सकते हैं कौन सी नहीं, और कौन सी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नाइट्रेट्स, एस इनहिबिटर्स, डायजोक्सिन जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एरोटिक स्टेनोटिक वेव। इन कुछ चीज़ों में कुछ केसेस में हम दे भी सकते हैं, अगर तो इनका कोई इम्पैक्ट हमें जाहिर नहीं होता उन पेशेंट में तो फिर हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर तो उस पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया है तो फिर हम ये एस इनहिबिटर वगैरह या डायजोक्सिन वगैरह दे, एस इनहिबिटर बेसिकली एस इनहिबिटर हैं वो बेसिकली हम दे सकते हैं उन पेशेंट में जिन पेशेंट को डेवलप हो चुका है सिम्टोमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में वही के एरोटिक जो वेल्व है वो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो या हम बेलून वेल्व थ्रोम्बी वगैरह वगैरह वही जो चीज़ें हम ऊपर पर के आए हैं इनमें देखना होता है, या वेल्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये बुक से देख लेना,
ये आई थिंक सो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है बुक से देख लेना, क्योंकि अभी खुद का, मेरे खुद का भी जो है वो मुंह सूख गया है बोल बोल कर। तो अभी ये जो एक टॉपिक रह गया है एरोटिक रिजर्टेशन, इसके बाद अपनी वीडियो वाइंड अप करते हैं, और जो बाकी छोटा सा टॉपिक रह जाएगा राइट साइड की वेव का, वो बिल्कुल ही छोटा सा है और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे उनको भी। तो वो हमें एक अलग से छोटी सी वीडियो में कर दूँ कवर। बेसिकली अब तो मेरा गला सूख चुका है, ऊपर से गर्मी भी है। तो करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एरोटिक रिजर्टेशन। मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा कि मेरा गला बैठ रहा है, ठीक है, पल्स नॉर्मल है, ठीक है, हाई इन वॉल्यूम है। वाई हाई इन वॉल्यूम है, वो इस वजह से है कि जब अरोटा में ब्लड ब्लड जाएगा ड्यूरिंग द सिस्टिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो वो वेल्व जो है वो क्लोज नहीं होगी। जब वेल्व क्लोज नहीं होगी तो वो ब्लड वापस आएगा, ठीक है, वो ब्लड वापस आएगा और ऊपर से लेफ्ट आर्ट्रिया से भी ब्लड आ रहा है वापस। दैट मीन्स के डबल फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हो रही है। जब डबल फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हो रही है तो दैट मीन्स कि जब सिस्टली ऑफ द वेंट्रिकल होगा तो यहाँ से ज्यादा वॉल्यूम जाएगा। आप यूँ कह लो कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया है। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपको हाई वॉल्यूम पल्स आपको सुनाई देगी या आपको फील होगी, एंड कोलैप्सिंग इन टाइप होगी, ठीक है। नॉर्मल इन रिदम हो सकती है, जेवीपी नॉर्मल हो सकता है, देयर इज अ डांसिंग कैरेटेड पल्स, ठीक है। आपको जो पल्स है, जो आपकी जो कैरेटेड पल्स है वो आपको नजर आएगी, सिस्टली डायस्टोली के दौरान आपको नजर आ रही होगी। तो उस चीज को हम नाम देते हैं कोरिगेन साइन। ये जितनी भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज है उनमें जो साइंस या कुछ मेजर साइंस जो हमें नजर आते हैं वो एरोटिक रिजर्टेशन में नजर आते हैं। कोरिगन साइन इज अ साइन इन विच वी विल सी डांसिंग कैरेटेड पल्सेस, हमें विजिबल पल्सेस नजर आ रही होंगी, सिस्टली के दौरान हमें विजिबल हो जाएंगी, डायस्टोली के दौरान हमें वो गायब नजर आएगी। तो दैट मीन्स डांसिंग कैरेटेड पल्स, दैट इज कॉल्ड कोरिगन साइंस, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो 180/55 मिलीमीटर ऑफ एच जी हो जाता है। क्यों भाई? वही इसलिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, दैट मीन्स कि आफ्टर लोड बढ़ गया है, ठीक है। आफ्टर लोड बढ़ गया, दैट एक्चुअली मीन कि आपका जो सिस्टली है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो जब आफ्टर लोड बढ़ गया है तो जो आपका डायस्टोलिक ब्लड है वो बेसिकली कम हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रिजेक्टेड ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एरोटा टू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो आप मोस्ट ऑफ द केस, आप कई केसों में ये भी देखोगे कि आपको डायस्टोलिक प्रेशर जीरो नजर आएगा, ऐसे भी सीवियर केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरोटिक रिजर्टेशन है वेरी सीवियर डिजीज, ठीक है। इसमें आपको जो प्रेशर जो है आपका जो पल्स प्रेशर है वो भी बहुत वाइड हो जाता है। देखो ना, अगर मैं यहाँ पर 60 या 55 है, इसको मैं 60 कर लेता हूँ, -180, तो यहाँ पर पल्स प्रेशर 120 का निकल कर आ रहा है, तो जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ऑन इंस्पेक्शन विजिबल कार्डिक इंपल्सेस मे बी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट? प्रेजेंट क्यों होंगी? इसलिए होंगे कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट हुआ होगा ड्यू टू द ओवर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है। पालपेट करेंगे तो पालपेट पे वही सारी चीजें हमें नजर आती हैं, थर्स्टिंग की नेचर होती है। क्यों थर्स्टिंग की नेचर होती है? क्योंकि एक तो ब्लड वापस आ रहा है अरोटा से भी, रिजेक्टेड जब सिस्टली खत्म हो जाएगा तो अरोटा से वापस आएगा ब्लड, ठीक है। ऊपर से जब क्या कहते हैं ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल जो ब्लड अरोटा में गया होता है वो भी वापस आता है, और नॉर्मल वे में जो आर्ट्रिया से ब्लड वापस आ रहा होता है वेंट्रिकल में वो भी आपको सुनने में मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो डेट विल लीड टू द थर्स्टिंग इन नेचर, ठीक है। थ्रिल जो है वो प्रेजेंट इन लेफ्ट पैरास्टोनल एरिया, डायास्टोलिक इन नेचर। क्यों डायास्टोलिक इन नेचर होता है भाई? भाई सीधी सी बात है, रिजर्टेशन जो ब्लड फ्लो आएगा वो कब आएगा? वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल के दौरान तो नहीं ना आएगा, तो वो जो एबनॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड आ रहा है वो ड्यूरिंग द डायास्टोली ऑफ द वेंट्रिकल आ रहा है, फ्रॉम द एरोटा इनटू द वेंट्रिकल। सो दैट्स व्हाई जो हमें थ्रिल है वो डायस्टोलिक नेचर है। जब थ्रिल डायस्टोलिक नेचर है, दैट मींस कि हमें जो मर्मर सुनाई देगा वो भी डायस्टोलिक नेचर नहीं देगा। तो जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल होगा, क्योंकि इसमें मटेरियल एरिया मटेरियल का या ट्राइकस्पिड वेव का लेने देना है ही नहीं। तो सेकंड हार्ट साउंड जो है उसमें हमें A2 एब्सेंट सुनाई देगा। क्यों एब्सेंट सुनाई देगा? क्योंकि वो जो एरोटिक वेव है वो क्लोज ही नहीं हो रही, ठीक है। सिस्टली में भी ओपन रही है और रिजर्टेड जब हुई है तो सारी बात है वो ब्लड वापस आ रहा है, तो ये क्लोज ही नहीं हो रही, तो ये एब्सेंट हमें सुनाई देगी। ए टू हमें साउंड कब सुनाई देता है? जब वेव क्लोज होती है। तो जब ए टू कंपोनेंट एब्सेंट होगा, डेट मीन्स की जो वेव है क्लोज ही नहीं हो रही, ठीक है। पी टू जो है वो नॉर्मल हमें सुनाई देगा। देर इज अ एंड डायास्टोलिक मर्मर, ठीक है। विच काइंड ऑफ मर्मर? एंड डायास्टोलिक मर्मर, ठीक है। डायास्टोलिक के एंड पे जो हमें जो मर्मर सुनाई देगा, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, आई थिंक इट्स अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, नॉट एंड डायस्टोलिक मर्मर, इट्स अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। क्योंकि जब जैसे ही सिस्टली खत्म होता है उसी वक्त जो है ब्लड जो है रिजर्टेड बैक हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। तो ये जो है हाई पिच्ड होता है, ठीक है, ब्लोइंग होता है, बेस्ट ईयर लेफ्ट लोअर पैरास्टनल एरिया इन द थर्ड और फोर्थ इंटरकोस स्पेस विद पेशेंट बेंडिंग। हम पेशेंट को फॉरवर्ड करेंगे बेंडिंग एंड ब्रीदिंग होल्ड आफ्टर एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये था एरोटिक
डिजर्टेशन में कुछ साइंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको करवा दूँ। पॉलीगन साइन आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक और साइन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्विंकी साइंस। बेसिकली ये साइन आप जब उस पेशेंट के नेल्स चेक करोगे ना, हाथ के जो नेल हैं, फिंगर्स नेल हैं, जब उनको चेक करोगे तो आपको कैपिलरी पल्सेशन फील होगी, ठीक है। आपने जोर से उस बंदे की टिप जो है, जो नेल की टिप है, उसको अपने किसी भी नेल से प्रेस करना है, तो जब प्रेस करोगे तो आपको एक पल्सेशन फील होगी इन द नेल बेड, दैट इज कॉल्ड क्विंकी साइन। क्यों? क्योंकि उसका जो सिस्टली ब्लड प्रेशर है, इन पेरिफेरल आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और साइन है, कोरिगन साइन हमने पढ़ लिया, वो ड्यू टू द कैरोटिड पल्सेशन की वजह से होता है। और इसके बाद आ जाओ एक डिमोजेट साइन होता है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, तो ये डिमोजेट साइन जो है मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। क्योंकि जब जब मैं हिफ़्ज़ कर रहा था, तो जो हाफिज़ कुरान होते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है, उसको एक आदत लग जाती है पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ झुकना, ठीक है, बोबिंग ऑफ द हेड करना, ठीक है। तो ये डिमोजेट साइन बेसिकली यही है, हमें इन पेशेंट में नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि कैरोटिड पल्सेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो अपना हेड जो है वो आगे पीछे कर रहा होता है। तो ये डिमोजेट साइन इज दैट साइन के बॉबिंग ऑफ द हेड आपका करना, इट्स कॉल्ड डिमोजेट साइन, ठीक है। उसके बाद एक आपको ड्रोजियर साइन देखने को मिलता है। बेसिकली ये आप स्टेथोस्कोप से फीमोरल आर्टरीज जब सुनते हैं, तो आपको एक ब्रूट सुनाई देता है, ब्रूट, एक एबनॉर्मल साउंड दैट वी विल हियर इन आर्टरीज और वेसल्स, ठीक है, ब्रूट्स उनको हम कहते हैं, ठीक है। ड्रोजियर साइन हमें सुनाई देता है बाद में, ठीक है, उनमें आर्टरी वेसल्स में, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन चार्ज वही है, एक्सरे कर देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट हुई होगी। क्यों हुई होगी? सीधी सी बात है, क्योंकि डबल फीलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हो रही होती है, दैट विल लीड टू द इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो, ठीक है। ईसीजी पर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के साइन रहेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और इकोग्राफी कार्डियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में आ जाओ, तो इसके ट्रीटमेंट में वही है कि हम इसकी अगर माइल्ड टू मॉडरेट एरोटिक डिजर्टेशन है, तो इनमें हम पेशेंट को फॉलोअप चेकअप देते हैं, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी रिकमेंड करते हैं ईयरली बेस पर, ठीक है, वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर सीवियर एरोटिक डिजर्टेशन है, तो हम इनमें ए सिम्प्टोमेटिक है, तो हम उसको कहते हैं कि 6 मंथ का रूटीन चेकअप होता है। और अगर 6 मंथ अगर उसको सिम्प्टोमेटिक सीवियर एरोटिक डिजर्टेशन होती है, तो इसमें हम डायलेटर थेरेपी देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एरोटिक वेयर रिप्लेसमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। तो ये था सारा कुछ आज का टॉपिक जो के था वेल्युएबल हार्ट डिजीज से अकॉर्डिंग, और आल्सो यू विल फाइंड माय लेक्चर वेरी वेल्युएबल फॉर यू। कोशिश मैंने सारी की कि आपको समझ आ जाए, और यही लेक्चर है, ये बेसिकली 1 घंटे से ज्यादा हो गया, जिसको मैंने अभी स्पीड फॉरवर्ड करना है, थोड़ा सा इतना नहीं करता, तो यही कोई 55 मिनट्स का वही 1 घंटे का लेक्चर हो गया है। तो इनमें मैंने सारा कुछ करवा दिया है, केसेस को लेकर बताया है मैंने, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बता दी, सबकी मैनेजमेंट बता दी। एक अलग-अलग टॉपिक करवाने से अच्छा था कि मैंने एक केस को रिप्रेजेंट किया, उसको उसकी एक एक सिम्टम्स को बताया। तो ये थोड़ा इतना तो नहीं टाइम, उतना ही लगना था टाइम जितना एक आम टॉपिक करवाता, लेकिन मे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ऐसे करवाने से कि टाइम थोड़ा सा बचा है। वही मैंने जब मेटल स्टेनोसिस करवाया था, वही एक खाली टॉपिक जो था 55 मिनट्स का बन गया था, और जब मैंने स्पीड फॉरवर्ड किया तो वही कोई 45 अराउंड बन गया था। और इसी वीडियो में मैंने 1 घंटे की वीडियो जो कि जब स्पीड फॉरवर्ड कर दूंगा 50 मिनट की 55 मिनट्स की हो जाएगी। तो इसमें मैंने चारों डिजीज जो है वेल्युएबल हार्ट डिजीज में मैंने करवा दी है केसेस को लेकर। ऑल्सो यू फाइंड माई लेक्चर वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव, और आपको एक एक चीज की समझ आ चुकी होगी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर लेने के बाद मैंने इतना अच्छे से तो एक्सप्लेन कर दिया कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर बेटर कंसेप्ट आप बुक से एक मरतबा गो थ्रू जरूर हो जाना। मैंने इसके लिए लेक्चर्स भी नहीं है, लेक्चर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने करवा दिया कवर। और जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा, जो बुक मैं यूज करता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने लिखना चाहिए वहाँ पर लिखना चाहें, तो जो मैं बुक यूज करता हूँ बेसिकली वो यूज करता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द इमराम दानिश। बेसिकली ये क्लार्क्स माइकल क्लार्क की जो क्लिनिकल इंटरनल मेडिसिन बुक है, ये उससे माकूल बुक है, वहाँ से इसका मटेरियल लिया गया है, जो कि बड़ी अच्छी बुक है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस बुक में वो है, नॉट मोर देन दैट इन्फॉर्मेशन। तो इट्स अ रिकमेंडेड बुक फॉर यू टू चेक आउट। तो ये लेक्चर ले लिया, एक मरतबा कर लिया, तो आप उस बुक को जरूर फॉलो करना। आई प्रॉमिस यू के आपको ये टॉपिक आपकी फिंगर टिप पे होगा, और आप कभी भी नहीं बोलने वाले, और अगर भूल भी गया तो आपको सिर्फ एट द एंड रिव्यू करने की जरूरत होगी, जितना अच्छे से मैंने आपको ये करवा दिया। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।